वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो इट्स अ न्यू वीक एंड आज है थर्सडे। हम लोग अपना व्लॉग थोड़ा मिड वीक स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है वीकेंड तक हमें थोड़ा कंटेंट और एंटरटेनमेंट मिल जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए सो योगा अपडेट ये है कि आज था मेरा डे 5 और मैंने फुल कॉन्सेंट्रेशन से अपने पाँचों क्लासेस अटेंड करे थे, एक्सेप्ट कि मैंने दूसरे दिन ही गोला टिका दिया था और तीसरे दिन मैंने ठूस के मोमोज खा लिए थे। मतलब गलती उसकी नहीं है गाइस जो सिखा रहा है, गलती मेरी है सारी, आई एक्सेप्ट। बट मैंने जितना भी किया उतना बहुत ज़्यादा मन से किया। अभी 25 दिन और बाकी हैं तो हम लोग देखते हैं कि तब क्या होता है, बट हाँ मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके सो अभी बज रहे हैं रात के 8। कल रात से पता है मेरे को कड़ा प्रसाद की इतनी क्रेविंग हो रही है, तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा कड़ा आटे का हलवा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए आटा, घी, चीनी, ड्राई फ्रूट, दूध या पानी, जो भी आपको चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं। ब्राउन होने तक आपको इसको ऐसे कंटिन्यूअसली हिलाना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया है, ओरिजिनल आटे से ये थोड़ा ब्राउन। गरम गरम आटा गिर गया। ओके पानी मैंने डाल लिया है बट थोड़ा लाल हो गया है, ये बहुत ज्यादा जल रहा है अभी। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें डालती हूँ चीनी। गिर गई। ओके सो चीनी काफी हद तक मेल्ट हो गई है अगर आप देखें तो। ये बस ये है कि आपको पूरे टाइम इसको चलाना पड़ेगा ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो अभी मेरे को इस पॉइंट पे डालना है दूध, और दूध के लिए मेरे को ये कैमरा हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने दूध के भगोने के ऊपर कैमरा अटकाया हुआ है। यस तो थोड़ा सा सेटअप चेंज हो सकता है, बेबी। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है और अब हम डालेंगे इसमें दूध। तो बीच में मैंने उसके लिए जगह खाली रखी है, आप अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से डाल सकते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मैं ना इसमें धीरे 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 ऐड करती रहती हूँ जैसा जैसा मतलब ज़रूरत होती है। फ्लेम आप मीडियम ही रखना, ज़्यादा तेज़ रखोगे तो फिर ये ज़्यादा तेज़ जल जाएगा। गाइस गैस बंद हो गई थी, वही मैं सोचूं ये दूध एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा। तो आप देखिए ये जल्दी जल्दी जमना शुरू हो रहा है ना क्योंकि गैस जल रही है। तो अगर आप पानी हो या दूध हो कुछ भी अगर आप डाल रहे हो ना तो घबराना मत कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आटा ये ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी ये फौरन ये देखिए ऐसे टाइट होने लग गया, इसी तरह अभी ना पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये पूरा पैन से उखड़ रहा है, मतलब कि हट रहा है पैन से ये ऐसे। तो अगर ये पैन छोड़ देता है इसका मतलब है आपने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका टेक्सचर देखिए आप, कितना ज़्यादा हलवे जैसा ही आ रहा है। ठीक है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। अब करते हैं हम गैस बंद और इसको करते हैं डिश आउट। तो ये है इसका फाइनल लुक और ये है मेरा फाइनल लुक। चलिए हम लोग इसको खाते हैं और अपनी क्रेविंग्स को ठंडा करते हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज, रात भर बारिश हुई है, रात भर। ओके सो कल के बाद हम लोग ने आज अपना व्लॉग कंटिन्यू किया है बिकॉज आज मैंने पूरा दिन सोते सोते गुजार दिया। कल रात से मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा है ना कि इतना लेज़ी फील हो रहा था कि इसलिए मैंने अपना योगा का डे 6 भी स्किप कर दिया है। और मेरे को ये चीज़ पूछनी थी कि जब से मैंने ये योगा वाली चीज़ स्टार्ट करी है ना मेरे को इतनी भूख लगने लग गई है, मतलब मेरे को अब मन करता है ना कि कुछ ना कुछ मिलता रहे और मैं खाती रहूँ। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर आप लोगों में से भी किसी के साथ होता है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना दैट आई एम नॉट अलोन, बिकॉज मेरे को भी एक ये भी स्ट्रेस हो रहा है कि अगर ऐसे खाते ही रहेंगे तो फिर मतलब वज़न कम करने का जो स्कीम है उसका क्या फ़ायदा होगा। और आज मेरे को बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही क्योंकि आज मैंने घर का बहुत सारा काम किया है, एकदम घर चमका दिया है। और वो कॉर्नर बनाया है मैंने, ये कॉर्नर बनाया है, हमें कुछ पार्सल्स रिसीव हुए हैं जो अभी हम अनबॉक्स करेंगे। तो ये एक नॉर्मल से वॉकिंग टाइप के शूज़ हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं अपनी मम्मी के लिए। अपने लिए मैंने आजियो से ये फ्लैट्स मंगवाए थे। तो और ये बहुत रैंडम सी एक स्लिपर थी जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है। बहुत सी चीज़ें अभी ऑन द वे हैं तो मैं आगे वाले व्लॉग्स में आपको दिखाती रहूँगी। ओके सो इट्स द नेक्स्ट डे और आज भी मैंने अपना योगा क्लास स्किप कर दिया। आज तो मैंने इवन कार्डियो भी नहीं किया बिकॉज आज मेरा
नहाने का मूड नहीं हो रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और मेरा नहाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, और एक्सरसाइज के बाद नहाना इज़ मैंडेटरी, इसलिए मैंने वो भी स्किप कर दिया। अभी मैं चाय नाश्ता करके बैठी हूँ, रात के 7:30-8 बज रहे हैं, तो मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। और मैंने फोरकास्ट में देखा था कि मंडे तक शायद ऐसी बारिश वारिश वाला मौसम हो गया, तो अगर ये ऑफिशियली मानसून स्टार्ट हो गया है तो आई एम सो हैप्पी, बिकॉज बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है, बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए काफ़ी काम हो गए एक्सेप्ट दी एक्सरसाइज, जो कि मेरे को खुद पे फुल भरोसा है कि वो शायद आगे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि खाने में मतलब मैं ठूंस के खा रही हूँ, तो पता नहीं क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। मैं इतनी सारी डिटेल्स बताती हूँ ब्लॉग में, तो मेरे को पता नहीं आप लोग को अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है या नहीं आता, बट ब्लॉग्स वगैरह तो ऐसे ही बनाए जाते हैं ना, अपना मतलब पूरा दिन भर का अपनी ज़िंदगी का सब कुछ बताना इसमें वीडियो में, तो स्टार्टिंग के लिए आई थिंक वो ही अच्छा है। और बाकी अभी बस ऐसे ही टाइम पास करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ओके, सो अभी बज रहे हैं रात के 11 एंड आई एम बैडली क्रेविंग कोल्ड कॉफ़ी, और साशु को खाना देने का टाइम भी हो गया है, तो हम लोग उसका खाना प्रिपेयर करते हैं और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। यस, खाना टाइम। आराम से सिट डाउन एंड ईट। सो ये है हमारी होममेड कोल्ड कॉफी, और ये मेरा साशु खा पी के एकदम फिट। अब मेरी बारी है। ओके, सो आज है संडे और आज मैंने पूरा दिन सिर्फ बोरियत में और काहली में निकाल दिया है। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं कहीं घूम कर आती हूँ, और मैंने पहनी है अपनी हाथ की पेंट की हुई टी शर्ट, इट्स द पावर पफ बटर कप। अभी साशा के सोने का टाइम भी है, तो तब तक ही मैं घूम कर भी आ जाऊँगी। और आई एम बैक होम, और आज संडे की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आधा काम तो मेरा हुआ ही नहीं, और आज था फादर्स डे, सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द मैन, ऑल द फादरली फिगर्स ओवर हेयर। सो आई थिंक आई कैन जस्ट एंड द व्लॉग हेयर, बिकॉज इससे ज़्यादा और कुछ होना नहीं है। और कल है मंडे, कल से हमारा नया वीक स्टार्ट होगा, मे बी थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग वीक स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और पसंद भी आ गया है तो लाइक करो यार, मतलब भूल जाते हो आप लोग, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल को, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, और हमारे बिजनेस अकाउंट को भी फॉलो करें, सो दैट आई कैन जस्ट रीस्टार्ट माई होल क्रिएटिव जर्नी एंड वी गाइस कैन स्टिक टू ईच अदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ टिल मीट अनदर टाइम। अल्लाह हाफिज़।